नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सदर अस्पताल परिसर में एनीमिया को लेकर एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सिविल सर्जन जुसार माझी ने दीप प्रज्वलित कर किया। आज हमारे सीएस साहब होने वाले डॉक्टर जुझार, अरे टाइम देके यहाँ पे आए हैं हमारा ये एनीमिया कैंप को का उद्घाटन करने के लिए। ये कैंप और शुरू तो हुआ है और ऋषिकेश से, ये और जमशेदपुर ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी सोसाइटी के सौजन्य से हो रहा है सदर हॉस्पिटल में। आज हमारा एम है कि हम लोग अनीमिया का प्रेवलेंस की स्टडी करें, तो जितने भी पेशेंट्स हैं 15 से लेके 44 इयर्स तक जितने भी पेशेंट्स हैं, हम लोग उन लोग औरतों का ब्लड टेस्ट आज करेंगे और इस डेटा को हम लोग प्रेजेंट करेंगे। और इसके लिए हम लोग आभारी हैं कि सीएस साहब ने हम लोगों को सदर हॉस्पिटल का कैंपस दिया, प्रेमिसेस दिया ये कैंप करने के लिए। हमारा इरादा है कम से कम 200 पेशेंट्स का आज ब्लड टेस्ट हो और उनकी हिस्ट्री टेकिंग करके हम लोग इस डेटा के आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट से प्लानिंग करेंगे कि किस तरह हम लोग अपने कंट्री में अनीमिया को रिड्यूस करें, क्योंकि जिस तरह से अनीमिया 60% एंड अबव है पूरे कंट्री में, इसको रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। यहाँ के सिविल सर्जन और वर्तमान सिविल सर्जन और ये ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, सभी को मुझे मौका मिला आज यहाँ आने का। मैं बता दूं कि आज शाम को मैं यहाँ ज्वाइन करूँगा सिविल सर्जन के तौर पर। और ये जो सब्जेक्ट है एनीमिया, ये अगर एनीमिया जो चिकित्सकगण या पारामेडिक्स और जो डाटा जो बोलता है वो बहुत ही भयावह है, इसको सब मिल के हम लोग इसमें प्रयास करना होगा, तभी शायद हम लोग कर पाएंगे। सरकार की ओर से एनीमिया में मुक्त भारत के लिए हर उम्र के लिए इसके प्रावधान है, योजनाएं हैं, सब चीज़, परंतु प्रयास जारी है सबका, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। फिर भी NHS डाटा ये कहता है कि कोई भी एज ग्रुप का वो मोर देन 60% है। और मैं आपको बता दूं, एनीमिया ऐसा एक बीमारी है कि जो पीड़ित है वो भी अपने आप को नहीं मानता कि मैं पीड़ित हूँ, ये बहुत बड़ी विडंबना है। सरकार ने तय कर दिया है कि 7 से कम होगा तो गंभीर, 7 से 11 होगा तो आप मीड होगा, और 11 से अधिक होगा तो आप नॉर्मल के आसपास कहेंगे। जो 7 से 11 तक रहते हैं वो बीमार अपने आप को मानते ही नहीं हैं। हम लोग दवा भी देते हैं लेकिन दवा लोग खाते नहीं हैं। निरंतर खाने की बात है, काउंसिल करने की बात है, तभी एनीमिया को हम घटा सकते हैं। दवा लाखों लाख बटा रहा है कर्मचारियों के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन उसकी कंजम्पशन अगर एक्चुअल देखा जाए बहुत कम है। तो ये बिहेवियर चेंज का इशू है, और बिहेवियर चेंज जो है ना, सब मिल के प्रयास करना होगा सभी स्टेक होल्डर्स को, केवल सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी नहीं, दूसरे विभाग के लोगों को, इवन PRI मेंबर्स गांव के, वो ज़्यादा करीब है गांव के लोगों का। तो ये है, प्रयास जारी है, और ये जो संस्था आज काम कर रही है बहुत अच्छा है। लेकिन मैं शहर को डेफिनेटली बींग सिविल सर्जन, सेवा उनको भी प्रायोरिटी में है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी गांव के लोगों को देखने वाला बहुत कम है। वहाँ तक हम पहुँचे हैं, उस गरीब तक पहुँचे हैं, जहाँ तक सरकार, बहुत ऐसे जगह होंगे अभी तक उनका प्रेजेंस नहीं है। मैं चाहता हूँ वहाँ गांव के लोगों को वहाँ तक पहुँचे, उनका जांच करें। वास्तविकता वही है, भारत 60-70% गाँव में बसता है, और हमारे ज़िला भी लगभग वही है 50%, 28 लाख पूरी और 15 लाख शहरी, 14 लाख लोग ऐसे हैं जो गांव में। वहाँ अगर हम जांच करें तो एक्चुअल मिलेगा, वास्तविक मिलेगा। यहाँ तो खाते पीते घर के लोग हैं, लेकिन इनमें भी मिलेगा 60%, उनमें तो ज़्यादा मिलेगा। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।